ये वही पेड़ है जहाँ हजरत जमाल साहब रहमतुल्लाह अलैह इबादत करा करते थे। तो मैं आपको अभी अंदर से दिखाता हूँ कैसा नज़ारा है इसका। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखो भाई मैं जगह पेड़ के अंदर आ गया हूँ। ये देखो इधर से आया हूँ पेड़ के अंदर और देख सकते हो ऐसा कुछ नज़ारा है यहाँ का। ये पेड़ के अंदर यहाँ बाबा जान बैठे, ये देखो पूरा हरा भरा है। देखो पूरा पेड़ हरा भरा है, ये देखो पूरा हरा भरा है। इसी के अंदर हजरत जमाल साहब, सबसे बड़ी तो करामत उनकी वही है कि पेड़ के अंदर हजरत इबादत करा करते थे और पेड़ पूरा खोखला है और ऊपर से पूरा हरा भरा है। तो सबसे बड़ी करामत तो हजरत की यही है, देख सकते हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ नसीम अजा कादरी, हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। सल्लू अल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो आज मैं आया हूँ पनवेल और पनवेल की दरगाह में आया हूँ हजरत जमाल साहब रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में। अब बाबा जान का आस्थाना है कैसा है, ये पीछे आपको ये झाड़ दिख रहा है, ये झाड़ मतलब पूरा खोखला है और पूरा से ऊपर से पूरा हरा भरा है। बाबा जान बताया जाता है बाबा जान इसके अंदर इबादत करा करते थे, मतलब नीचे से पूरा खोखला है, आप उन 5-6 जन अंदर घुस जाएंगे। तो पूरी आपको मैं हजरत की जमाल साहब रहमतुल्लाह अलैह की पूरी हिस्ट्री बताने वाला हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। तो चलिए ज़ियारत करते हैं और हिस्ट्री सुनते हैं। तो भाइयों ये वही दरख्त है जहाँ हज़रत जमाल साहब रहमतुल्लाह अलैह अंदर बैठ के इबादत करा करते थे। चलिए मैं आपको अंदर से ज़ियारत कराता हूँ और नज़ारे दिखाता हूँ। चलिए तो इधर पे अंदर जाने का भी रास्ता है, देखो। चलिए माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखो भाई मैं जगह पेड़ के अंदर आ गया हूँ। ये देखो इधर से आया हूँ पेड़ के अंदर और देख सकते हो ऐसा कुछ नज़ारा है यहाँ का। ये पेड़ के अंदर यहाँ बाबा जान बैठ के इबादत करा करते थे हजरत जमाल साहब रहमतुल्लाह अलैह। तो देख सकते हो ऐसा कुछ नज़ारा है यहाँ का, ऊपर से पूरा हरा भरा है, पूरा आपको मैं दिखाने वाला हूँ। ये देखो पूरा ऐसा नज़ारा है यहाँ का, यहाँ बैठ के हजरत जमाल साहब रहमतुल्लाह अलैह इबादत करा करते थे, देख सकते हो। देखो ऐसा कुछ नज़ारा है यहाँ का, पूरा मतलब नमाज़ पढ़ सकते, 3-4 जन नमाज़ पढ़ सकते हैं यहाँ पे, ऐसा कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ का। तो इधर से पूरा खोखला है और ऊपर से पूरा हरा भरा है, ये देखो। तो ऊपर से अभी आपको दिखाता हूँ, देखो अभी मैं बाहर से भी आपको दिखाऊँगा। देखो पूरा हरा पूरा खोखला है इधर से। इधर हजरत जमाल साहब रहमतुल्लाह अलैह बैठ कर इबादत फरमाया करते थे, इबादत अल्लाह की इबादत करा करते थे। तो इधर से देखो मैं अभी अंदर आया था, तो अभी बाहर चलते हैं। देखो यहीं गया था मैं, अभी ऊपर से दिखाता हूँ आपको। ये देखो पूरा हरा भरा है, देखो पूरा पेड़ हरा भरा है, ये देखो पूरा हरा भरा है। इसी के अंदर हजरत जमाल साहब रहमतुल्लाह अलैह बैठ कर इबादत करते थे। तो ऐसा कुछ नज़ारा यहाँ का देख सकते हो, और पेड़ पूरा हरा भरा है एकदम, ये देखो पूरा हरे पूरे पत्ते पेड़ में, माशाल्लाह। तो चलिए अभी मजार शरीफ की आपको मैं अभी लाइव ज़ियारत कराने वाला हूँ और हजरत के बारे में मुझे जो कुछ मिलेगा मैं आपको ये वीडियो के ज़रिए शेयर करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए अभी हजरत की हिस्ट्री मालूम करते हैं। तो भाइयों ये मेरे पीछे पेड़ देख रहे हो, यही पेड़ है हजरत जमाल साहब रहमतुल्लाह अलैह इसी के अंदर बैठकर इबादत करते थे। रास्ता दिख रहा है, यहीं से अभी मैं अंदर गया हूँ, आपको मैं ज़ियारत कराया हूँ। तो चलिए अभी चलते हैं, हजरत जमाल साहब रहमतुल्लाह अलैह की हिस्ट्री मालूम करते हैं और आपको अब लाइव ज़ियारत कराने वाला हूँ। तो चलिए मालूमात हासिल करते हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का, आपको जो दिख रहा है यही मैं अभी झाड़ की आपको मैं ज़ियारत कराया हूँ। इसी के अंदर हजरत जमाल साहब रहमतुल्लाह अलैह बैठकर इबादत करा करते थे। तो यहीं पर ऐसा कुछ जाते हुए सामने, ये हजरत का सामने ये दिख रहा है आपको, यही हजरत जमाल साहब रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना है। तो ऐसा कुछ नज़ारा यहाँ का देख सकते हो। तो अभी मैं हजरत की आपको हिस्ट्री बताने वाला हूँ और मजार शरीफ की आपको लाइव ज़ियारत कराने वाला हूँ। तो चलिए अंदर चलते हैं, हिस्ट्री मालूम करते हैं। चलिए तो आप जब पनवेल आते हो तो ये दरगाह में ज़रूर आएँ, इनके वसीले से दुआ मांगे, आपकी नेक जायज़ तमन्ना सब पूरी होगी। तो चलिए चलते हैं। तो ये हजरत का सामने दिख रहा है आपको, ये हजरत का आस्थाना है और ऐसा कुछ नज़ारा है यहाँ का देख सकते हो। तो भाइयों मैंने हजरत की करामत, जिंदा करामत आपको दिखाई, जो अभी
पब्लिक देख के जाती है, उनको झाड़ दिखाया हूँ मैं, उसी के अंदर हज़रत इबादत करा करते थे। चलिए अभी आपको मैं हज़रत के मज़ार शरीफ की लाइव ज़ियारत कराने वाला हूँ, तो आपके दिल में जो मन्नतें मुरादें हैं, आप हज़रत का ऐसे मज़ार शरीफ देखना, हज़रत के वसीले से तलब करना, इंशाल्लाह आज आपकी हर एक नेक जायज़ तमन्ना पूरी हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा यहाँ का देख सकते हो, माशाल्लाह। माशाल्लाह तो ये है हजरत का खूबसूरत आस्ताना, माशाल्लाह। सुबहानल्लाह सुबहानल्लाह। जो आप खूबसूरत मंजर की भाई आप ज़ियारत कर रहे हैं, ये हजरत जमाल शाह बाबर रहमतुल्लाह अलैह का आस्ताना है, जो पनवेल में है। अगर आप पनवेल आते हैं तो ये दरगाह में ज़रूर आएँ और इनके वसीले से दुआ मांगे, आपकी हर एक नेक जायज़ तमन्ना पूरी होगी। तो मौला, जो ये वीडियो के ज़रिए हज़रत जमाल शाह बाबर रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार शरीफ की ज़ियारत कर रहे हैं, मौला उनके दिल में जो नेक जायज़ तमन्ना है मौला सबको पूरा फरमा, सबको हज बैतुल्लाह की हाज़िरी नसीब फरमा, सबको मदीना मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब फरमा, सबको मौला औलिया अल्लाह से मोहब्बत करने वाला बना दे मौला, और नेकों के सोबत में रख मौला, बुरों की सोबतों से बचा। ये हमारे गुफरान भाई है, तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है देख सकते हैं। तो आप भी दुआ मांग लीजिए हज़रत के वसीले से, तलब करिए। आप जो हज़रत के वसीले से आज तलब करोगे, ऐसा तसव्वुर करिए कि मैं दरगाह शरीफ में खड़ा हूँ, ऐसा तसव्वुर करके मांगिए, आज आपकी हर एक नेक जायज़ तमन्ना पूरी हो जाएगी माशाल्लाह। तो मुझे दरगाह शरीफ की इधर के जो खादिम साहब हैं, तो मुझे इतनी करामत तो नहीं मिली हज़रत की, तो सबसे बड़ी तो करामत उनकी वही है कि पेड़ के अंदर हज़रत इबादत करा करते थे और पेड़ पूरा खोखला है और ऊपर से पूरा हरा भरा है, तो सबसे बड़ी करामत तो हज़रत की यही है, देख सकते हो माशाल्लाह। तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा यहाँ ये दरगाह में, बहुत दूर दूर से पब्लिक यहाँ पर आते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये सरकार का लंगारा है, ये देखो माशाल्लाह माशाअल्लाह सुबहानअल्लाह सुबहानअल्लाह। तो भाइयों, आपने जो हजरत के वसीले से तलब करना होगा तो आपने मांग लिए होंगे, तो ये हज देख सकते हो मन्नत के सब धागे बंधे हुए, अरे बाबा जान का चिराग माशाअल्लाह। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा यहाँ का देख सकते हो माशाअल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई लोग, मैंने हज़रत जमाल शाह बाबर रहमतुल्लाह अलैह की मुझे जितनी हिस्ट्री मिली है, मैंने सबसे बड़ी तो करामत आपको दिखाई दिया कि इतना बड़ा झाड़ है, पूरा ऊपर से हरा भरा है और नीचे पूरा खोखला है, उसी के अंदर हज़रत जमाल शाह बाबर रहमतुल्लाह अलैह इबादत करा करते थे, सबसे बड़ी करामत तो इनकी यही है। तो आप जब भी पनवेल आते हैं तो ये दरगाह में ज़रूर आएँ और इनके वसीले से दुआ मांगे, आपकी हर एक नेक जायज़ तमन्ना पूरी हो जाएगी। तो अगर आपके इधर भी ऐसी कोई दरगाह है तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए, तो मैं आपके इधर भी आऊँगा और ऐसा खूबसूरत वीडियो बनाऊँगा। तो फिर मिलूँगा कोई नया दरगाह शरीफ की वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखना, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।